Hello, my dear students, let's come to the experiment number 7, that is to determine the resistance of a galvanometer by half deflection method and to find its figure of merit. Here is the letters. Let's come to the experiment number 7, that is the aim of this experiment is to determine resistance of a galvanometer by half deflection method and to find its figure of merit. The apparatus required in this experiment are a galvanometer, this one, a voltmeter, here is the voltmeter V, it is represented by the symbol V here, a battery, 3 cells we are using here, 2 resistance boxes, then rheostat of high resistance, 1-way key, connecting wires, etc. So let's discuss about our theoretical part. A galvanometer is a device used to detect small electric current in a circuit. तो galvanometer क्या चीज़ है? Circuit के अंदर में current है नहीं है, उसको detect करने के लिए use किया, एक device है. The resistance of a galvanometer can be found by using half deflection method. Here I will show you the internal part of the galvanometer. तो galvanometer के अंदर के जो parts है, मैं एक बार दिखा दूँगा आपको. तो galvanometer के अंदर में क्या चीज़ है? सबसे पहले एक cylindrical soft iron. उसके surrounding में एक rectangular copper wire का ये लपेटा के देखो. And this is a pointer. It is made of aluminium. और ये वाला जो rectangular coil है, two pivots के ऊपर भी support कर रखा है. फर्स्ट वन जो ऊपर का जो पार्ट है ये है, ये स्प्रिंग है, दिस स्प्रिंग, इट इज मेड ऑफ फॉस्फेट ब्रॉन्ज वायर और ये भी फॉस्फेट ब्रॉन्ज वायर से बना रखे हैं. इसका कारण क्या है? इट हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रांसलेंट कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर कोयल है कॉपर वायर, इसका रेजिस्टेंस निकालना है किसकी मेथड से? बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड. तो गलवानोमीटर के अंदर में स्केल देखो, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये सपोज 30 है, 30 का हाफ क्या आएगा? 15. तो इसी तरह से हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को निकाल लें. लेट्स कम टू द सर्किट नाउ. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सर्किट डायग्राम. हियर इज द बैटरी. वी आर यूजिंग 3 सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट का 3 सेल्स यूज किया. 1.5 को 3 यूज करेंगे तो 4.5 वोल्ट. तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से आपको आके कनेक्शन करना है एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स. इट इज ऑफ अराउंड 5000 ओम्स तक मैक्सिमम, उसे आगे भी है. फिर उसके बाद यहां से एक पॉइंट आगे, एक पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से आगे, तो गलवानों के पॉजिटिव में कनेक्ट करोगे, फिर नेगेटिव. इस पॉइंट से आपने यूज करना एक संट. एक संट क्या होता है? पहले भी डिस्कस हो चुके. एस एन इज एसन बॉक्स विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एनी अप्लायंस. फिर उसके बाद एक और सिंगल प्लग की K2, फिर यहाँ से पॉइंट आके फिर एक सिंगल की K1 और उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल में. सेकेंड नंबर में क्या है? तो व्हेन यू रिमूव द की, दिस K2, आपने K2 को ओपन करेगा तो ये वाला पार्ट खाली हो जाएगा. तो उस टाइम हमने ये इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज करेगा सेकेंड पार्ट. तो लेट्स कम हियर. फर्स्ट When the key K2 is open, आपने ये K2 open किया तो मतलब ये सर्किट ये रहेगा, ये वाला फर्स्ट से फिगर नंबर 2 रहेगा. एंड द की K1 इज क्लोज, K1 को क्लोज करना है. देन वी कैन फाइंड डिफ्लेक्शन थीटा बाय सुटेबल वैल्यू ऑफ R. तो यहाँ से एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने सुटेबल वैल्यू ऑफ R निकाल के आप इसका जो एंगल निकाल सकते हैं, मे बी 30 डिग्री, 20 डिग्री, आपको जो चाहिए आप उसको निकाल सकते हैं. If E is the EMF of the cell and I the current in the circuit, then I equal to K theta. ये भी कहाँ से आया? NBIA equal to K theta से, where K is the figure of merit. Then total resistance. इस circuit के अंदर में total resistance क्या होगा? That is R plus Z. Then therefore I equal to E upon R plus Z. Then E अपॉन R प्लस जी कर टू आई की जगह आपने K थीटा सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 बन गया. नाउ इंसर्ट द की K2, आप इस K2 को इसको क्लोज कर रहे हैं एंड एडजस्ट द सन S, ये बोले S को एडजस्ट करना सो दैट द डिफ्लेक्शन बिकम्स थीटा बाई 2. इसका मतलब आपने पहले इधर 30 आ गए,
सन से आपने एडजस्ट करके ये वाला जो थीटा 30 है तो 30 का हाफ क्या होगा 15, ऐसे एडजस्ट करोगे मींस हाफ आना चाहिए. नाउ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, लेट्स कम टू द सर्किट नंबर वन. तो रेजिस्टेंस क्या आ गया 1, 2, 3, पहले दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे और प्लस उसके साथ, तो आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस. देन आई कैल ई अपॉन आर प्लस जी एस बाई जी प्लस एस. सो देयरफॉर करेंट थ्रू द गैल्वेनिक प्लेट आई जी इज आई जी इक्वल टू आई इंटू एस अपॉन जी प्लस एस. ये भी फॉर्मूला आपके डायरेक्ट जम ले लिया, मीन्स जो करेंट यहाँ पे जो इसके अंदर में जो करेंट फ्लो किया दैट इज आई जी, हमने जो आई जी लिया. तो आई जी कलू आई एस अपॉन जी प्लस एस. देन आई के वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया ई अपॉन आर प्लस जी एस बाई जी प्लस एस इंटू एस अपॉन जी प्लस एस. आई जी कलू ई एस टेकिंग द एलसीएम ई एस अपॉन आर इंटू जी प्लस एस प्लस जी एस. तो दिस करेंट आई जी प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन थीटा बाई टू. ये वाला कौन सा करेंट है जो हाफ डिफ्लेक्शन आने के टाइम जो करेंट है वो पहले अलग है, यस फर्स्ट सर्किट का. देन आई जी का वैल्यू क्या हो गई हाफ थीटा के थीटा बाई टू इक्वल टू ई एस बाई आर इंटू जी प्लस एस प्लस जी एस. तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ई अपॉन आर प्लस जी इक्वल टू टू ई एस बाई आर जी प्लस एस. आप सॉल्व मेटर तो आप सब लोग मालूम है, इसको ब्रैकेट खोलो, सॉल्व करने के बाद आपको जी आएगा, दैट इज जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट आर एस बाय आर माइनस एस. एक स्पेशल केस में आपको ये चीज आपको नोट करना है, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एस देन मीन्स जो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला है तो सन से बहुत बड़ा है मानो, देन ये वाला चीज नेग्लेक्ट कर सकते हैं. नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देन आर का आर कैंसिल करके जी इज नियरली इक्वल टू एस, मीन्स जो सन से जो रेजिस्टेंस निकालेगा वो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा. दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द सन विच इज टेकन फ्रॉम द सन विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो नाउ लेट्स कम टू द फिगर ऑफ मेरिट. द फिगर ऑफ मेरिट के ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द करेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिविजन. इट इज मेजर इन एम्पेयर पर डिविजन, एम्पेयर पर डिविजन पे मेजर करेगा फिगर ऑफ मेरिट. देन फ्रॉम इक्वेशन वन आई का टू ई अपॉन आर प्लस जी का टू के थीटा, देन यहां से के निकालो, के निकालोगे तो क्या होगा ई अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर फोर. तो ये वाला जो इक्वेशन नंबर थ्री से तो आपको क्या निकालोगे, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. फ्रॉम दिस इक्वेशन फोर आप क्या निकालोगे, वी हैव टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट तो टेबल में देखो एक बार, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, दैट एटलीस्ट यू हैव टू टेक थ्री और फोर ऑब्जर्वेशन. रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने रेजिस्टेंस निकालोगे डिफ्लेक्शन थीटा, देन सन से हाफ डिफ्लेक्शन और ये. Now let's start connecting the circuit. First, from this positive terminal of the battery, आप positive terminal of battery से connection शुरू करोगे, ठीक है? Positive terminal of the battery, this one. कहाँ पे connection करोगे? आपको high resistance देखो, ये 1 से लेकर 5000 तक high resistance है. तो इसके किसी भी point में जोड़ो, इसके कोई terminals नहीं है, हमने यहाँ पे connection किया. कनेक्शन से भी टाइट. फिर उसके बाद जो दूसरा जो टर्मिनल्स है कहाँ पे जाएगा, दैट इज एक ये वाला जो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर की पॉजिटिव पॉइंट में दोनों वायर जोड़ना चाहिए, ठीक है? तो हम उसको थोड़ा सा लॉन्ग वायर्स ले लेते, अभी वाइट और ये येलो कलर से ले लेते, ठीक है? कैसे करें क्या देखो, ड्राइविंग सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हाई रेजिस्टेंस के एक पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट कहां पर, इधर दो पॉइंट जोड़ गए गैल्वेनोमीटर की पॉजिटिव, इसलिए मैंने दोनों एक साथ जोड़ दिया. तो ये कहां पे कनेक्शन करोगे, गैल्वेनोमीटर की पॉजिटिव टर्मिनल से.
जल बाउंड्री के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्शन हो गए, फिर दूसरा ये वाला पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, दैट इज इट विल गोज टू संट सेल लेटर। संट में कनेक्शन हो गए, वायर को देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से जल बाउंड्री में रह गए एक संट में, तो सन के दूसरा पॉइंट कहां जाना चाहिए, एक प्लग की। प्लग की को सब खोल के रखो और उसके बाद यहां पे कनेक्शन किया। Then, की के दूसरा पॉइंट ये भी कन्वर्टर के अंदर में भी दो पॉइंट होना चाहिए, टू वायर्स एक येलो और ये ग्रीन का। तो पहले इसको नेगेटिव पॉइंट से जो कनेक्शन करो, कनेक्शन क्या, तो एक पॉइंट तो कहाँ पे आना है, सन की साथ जो पैरल है इसमें कनेक्शन करना है। दूसरा पॉइंट यहां पर एक इसका नेगेटिव से, ये वाला पॉइंट कहां पे आ गए, इसका की पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट कहा जाएगा, बैटरी का नेगेटिव। की का दूसरा पॉइंट बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल में जाना। कनेक्शन इज कम्प्लीटेड, एक बार ध्यान से देखो, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए क्या क्या कनेक्शन किया, एक बार थोरली एक बार रिवाइज करा लो, चेक करो। बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ पे कनेक्शन किया, रियो स्टेट आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स का एक पॉइंट, रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरा पॉइंट कहाँ पर, गैल्वेनोमीटर की पॉइंट में दो वायर जुड़ गए, एक एक सन की तरफ एक, तो हमने इसको क्या बनाया, इधर से दो पॉइंट्स आ गए, तो दो पॉइंट्स इधर गैल्वेनोमीटर के पॉइंट में दो पॉइंट आ गए, एक वाइट कलर या आ गए, येलो कलर्स कहाँ पे चले गए, एक सन, सन की तरफ। सन का दूसरा पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट किया, प्लग की के टू, के टू के दूसरा पॉइंट आके ये वाला वायर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में दोनों एक साथ जोड़ना, दोनों एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर ये वाला पॉइंट कहाँ पे कनेक्शन किया, की के वन, तो के वन की दूसरा पॉइंट बैटरी के नेगेटिव, दैट इज द सर्किट इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स और नॉट, आप उसको निकालने के बाद फिर आप चेक करोगे मेन सर्किट में एकदम कन्वर्टर स्विच एकदम हाई डिफ्लेक्शन आ गया। हम उसको रेजिस्टेंस बॉक्स से उसको रेजिस्टेंस निकाल के उसको हाफ हमने एक एंगल में फिक्स करना है, देन अभी 7000 लेट्स सी, बिल्कुल 30 डिग्री डिफ्लेक्शन। तो आपने रेजिस्टेंस कितना अलग कर रहा, 5000 2000 प्लस 1000 दैट इज 8000। रेजिस्टेंस अभी कितना निकाला हमने, 8000। डिफ्लेक्शन कितना है, 30। तो अभी हमने सन से इसको हाफ डिफ्लेक्शन लाने, हाफ डिफ्लेक्शन लाने के लिए कम से कम 50 से शुरू करो, देन मीन्स व्हेन यू क्लोज द की
सबसे पहले आपको की को बंद करना है, तो अभी 5 में चले गए, 30 का हाफ तो 15, तो ये 5 में गलत है, तो हमने इसलिए यहाँ से क्या निकालोगे 50, थोड़ा भर गए 50 से, फिर अगेन 20 निकाल के देखो और भर गए, देर इज एग्जैक्ट अभी कहाँ पे आ गए, तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा है तो अभी 50 + 20 + 20 = 90, तो अभी हाफ डिफ्लेक्शन आपने से रेशियो कितना निकाला 90, डिफ्लेक्शन हाफ मीन्स 15, तो लेट्स कैलकुलेट ऑल आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, रिमूव द संट और 30 का आधा, दैट इज नेक्स्ट 30 का हाफ डिफ्लेक्शन 15 हो गए, नेक्स्ट अभी क्या लेना है 28 8,905, 8,900. When you close the key, आप इसको की बंद करके देखो, बिल्कुल हाफ आ रहे, देखो 14 पे आ गया, चेक करो क्लोज 14 28 रेजिस्टेंस, तो अभी भी 90 पे रखोगे 14। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन दैट इज दैट वी हैव टेकन द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्सेस 8,900, डिफ्लेक्शन इज 28 एंड हाफ डिफ्लेक्शन इज 14, द सन इज रिमेन सेम एट 90। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर 26 यहाँ तक कितना आ गए 9,000, तो अब 9,500 निकाल के देखो, तो बिल्कुल एकदम 26 में आ गया, 26 तो आपने 26 तो 9,500 रेजिस्टेंस, सन निकाल के देखो, सन निकाल के फिर उसके एकदम सन डालने के बाद कितना आ गए 26 का हाफ, दैट इज 13, द रेजिस्टेंस इज सीम्स टू बी अगेन 90। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इसको अगेन रिमूव करो, अभी हम 24 में बना लेंगे, 24 में रेजिस्टेंस फिक्स रखा 90, देन 24 का देखो, 24 का अभी हमने की बंद किया, एकदम हाफ डिफ्लेक्शन आ गया, दैट इज एट 12 आ गया। तो फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनेटेड बाय हाफ डिफ्लेक्शन, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दैट बाय डे यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला दैट G इक्वल टू आर एस बाय आर माइनस एस, आर माइनस एस का जो ड्रिंग, सो लेट मी शो यू हाउ टू कैलकुलेट 8,000 × 90 is equal to divided by, use the bracket
8000 माइनस 90, द आंसर इज कम्स आउट टू बी 91.0. तो अभी हमने थ्योरेटिकली बताया, इफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स इज वेरी हाई, देन इफ द सन इज वेरी लो, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, तो जी का वैल्यू लगभग एस के बराबर आएगा. तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 91 अभी थ्योरेटिकली इधर आ गए, और हमने सन से भी कितना निकाला 90. सो नाउ लेट्स चेक अगेन फॉर अ सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग में दोबारा चेक करो, 8900 इंटू 90 इक्वल टू डिवाइड बाय 8900 माइनस 90, तो आंसर इज 90.9. द आंसर इज वेरी क्लोज. लेट्स टेक द थर्ड रीडिंग, 9500 इंटू 90 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9500 माइनस 90, अगेन द आंसर इज कम्स आउट टू बी 90.8. बहुत क्लोज आ गया आंसर. फिर फोर्थ रीडिंग का एक बार कैलकुलेट करके देख लेते, 10200 इंटू 90 equal to divided by 10200 minus 90, इसके भी आगे 90.8. so let's take the mean of this for observation, 91 plus 90.9 plus 90.8 plus 90.8, 1, 2, 3, 4, equal to divided by 4. So that means aapka G 90.87 ohms. That is the mean value of G is this one. Now, so let's come to the table number 2 to find the figure of merit. Here we are taking four observations. First is number of cells. तो सबसे पहले वोल्टमीटर के थ्रू से आपने इस सेल का EMF मेजर करोगे. इस EMF को देखो, बैटरी का पॉजिटिव, आपको वोल्टमीटर का पॉजिटिव पे टच होना चाहिए, देन फिर वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल्स इधर पॉइंटर चेक करो, लगभग कितना आगे 1.5 समथिंग, तो 1.5 समथिंग आगे. तो इसका मतलब हमने कितना सेल यूज किया, 3 सेल्स यूज किया, 3 सेल्स. तो 3 सेल्स का हमने कितना इस्तेमाल किया, 3 सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स 3, सब में 3 लिख सकते हैं, वी आर यूजिंग 3 सेल्स. EMF 1.5 इंटू 3, दैट इज इट कम्स टू बी अराउंड 4.5 वोल्ट. रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो हमने कितना लिया 8000, सेकेंड ऑब्जर्वेशन 8900, थर्ड 9500, फिर नेक्स्ट 200. डिफ्लेक्शन हियर 30, 28, 26, that is 24. Now let's calculate these values. Figure of merit key 4.5 divided by, use double bracket, R plus Z. What is R? 8000 plus Z.
90.87 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय थीटा इनटू 30 ब्रैकेट क्लोज अगेन द आंसर इज कम्स आउट टू बी 1.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर पर डिवीजन. Similarly, take the second observation, 4.5 divided by 890 plus 90.87 into 28. Bracket close. 1.78 into 10 to the power minus 5. Then let's come to the third observation. Third reading calculation करके देख लेते हैं एक बार. 9,500 plus 90.87 into 26, 1.80 into 10 to the power minus 5. Then last observation, 4.5 divided by 10,00 plus 90.87 into 24. To 1.82 into 10 to the power minus 5. So now let's take the mean reading of this four observation. 1.85 plus 1.78 plus 1.8 plus 1.82 equal to divide by 4. So 1.81 into 10 to the power minus 5 ampere per division. So this is the mean value of the figure of merit. Hence the resistance of galvanometer is 90.87 ohms. Figure of merit of galvanometer is 1.81 into 10 to the power minus 5 ampere per division. That means your experiment is successfully completed.